जेनेसिस के एक्सेवियर से मिली थी क्या? और हमने ये भी सुना था कि उसने उसको उसकी बहन भी बोला था। खुद बहन है उसकी। हम हैं वो हीरो जो नाटके वो सूरज का हम पीछा करते हैं जब तक वो डूब ना जाए। दोस्ती हमारी एक दूसरे से हर दिन कायम रहे। चलो मिलकर कोई ताकत बनाए, एक से ज्यादा सौ तक बनाए, जिसको कोई ना हरा पाए वो ताकत को आज हम बनाए। उनमें अपनी ताकत उम्मीदें और हिम्मत को मिलाए। दिखाए 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 उन्हें हम दिखाए। हम है वो हीरो जो ना सके वो अच्छा दिन चल जैसा है, दोस्तों के साथ मिलके हंसना है, ये सब भी एक कैसे है, दूर हो के भी पास है। दिखाए 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 उनको हम दिखाए। हम है वो हीरो जो ना सके वो दोस्ती में ताकत है, ताकत पे ही सब है, दोस्ती है तो क्या बात है, दिल से दिल का प्यार है। दिखाए 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 तो आखिरकार आ ही गई एलियन एकेडमी। एक्सेवियर ने आपको बहन क्यों बोला था? इसका कोई जवाब है आपके पास कोच? मैं ये क्या सुन रहा हूँ कोच? मार्टी मार्क, ये लड़की एक जासूस है, मुझे तो शुरू से ही लगती थी। जासूस? ये बात हर चीज को बयान करती है। कोच का अचानक से गायब हो जाना, इसका मतलब यही है कि कोच हमारे बारे में एलियन एकेडमी को बता रही है। अगर दुश्मन ने कोच को बहन बोला है तो इसका मतलब यही है, मतलब कोच एलियन है। मुझे भी लगता है कोच को जवाब देने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए जवाब लेना हमारा हक है। बोलो कोच। रुक जाओ। मैं पूछता हूँ, क्या तुम वाकई में उसकी बहन हो? हाँ, ये सच है कि मैंने आप लोगों से काफी कुछ छुपाया है, पर थोड़ा और इंतजार करो। एलियन एकेडमी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ कल माउंट फ्यूजी चलो, मैं वहां पे सब कुछ बता दूंगी। माउंट फ्यूजी? माउंट फ्यूजी आखिर क्यों? वहीं पे तो वो रहते हैं सारे। कब तो? मैं वहां पर कल सुबह 8 बजे निकल रही हूँ। जो सच जानना चाहता है वो आ जाए। मुझे तो उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। वो तो बताए बगैर ही चलेगी, उसने तो एक सवाल तक का जवाब नहीं दिया। डार्लिंग, मेरे माइंड में बहुत से शक थे इस लड़ाई को लेकर। इसका यही रीजन है कि मेरे दोस्त एलिया एकेडमी से जख्मी हो गए थे, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ लड़ा, जबकि आखिर में केओस के मैच में बायरन भी जख्मी हुआ। एरिक, इन सब के बाद भी कोच को कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से। मैं ऐसी फीलिंग्स के साथ माउंट फ्यूजी नहीं जा सकता। मैं एरिक की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है जूड? जितनी बात का पता है उससे इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर हमें एलियन एकेडमी के बारे में और जानना है तो हमें जाना होगा। कोच का तो मुझे पता नहीं, पर हम जो भी मैच लड़ते हैं वो चाहती है कि हम जीते, हमें हिम्मत देती है। ना जाकर तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरे हिसाब से हमें जाना चाहिए। रुको मार्क, मैं समझ गया कि क्यों एरिक इतना परेशान है। हम सबको हक है सोचने का और डिसीजन लेने का अपने बारे में। हाँ, पर हम सबको टाइम की जरूरत है इस बारे में सोचने के लिए मार्क।
ठीक है, वैसे भी हमारे पास आज की रात है सोचने के लिए। जितनी मर्जी बार कह लो मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। डार्लिंग, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आखिर ये सब कोच ने हमसे छुपाया क्यों, ये सब छुपाकर उसे क्या मिलने वाला है। आखिर में कोच ने हमें बेवकूफ बनाया और हम बेवकूफ बन गए। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? क्या तुम भूल गए वो मैचेस को जो तुम लोगों ने अब तक लड़े हैं? क्या तुम लोग ये भी भूल गए हो कि आज तक हमने जितने भी मैचेस जीते हैं वो अपनी कोच की वजह से जीते हैं? वो सब कुछ तुम कैसे भूल सकते हो, बताओ मुझे। इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। याद है तुम सबको एक्सल की बारी क्या हुआ था? कोच ने उन बुरे लोगों को सबक सिखाया था ताकि वो एक्सल और उसकी छोटी बहन को बचा सके। हाँ ये सच है, मुझे यकीन है अपने कोच पर। मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे जाना ही होगा, मैं नहीं रुक सकता, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ मैं भी जाऊंगी, मैं अपने डैड के लिए सच जानना चाहती हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं रजामंद तो नहीं पर मुझे नहीं मालूम। सबको ठंडा होके सोचने की जरूरत है और मुझे भी। मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो अब तुम क्या करोगे मार्क? मुझे यकीन है अपने टीम मेंबर्स पर और कोच पर। सबका क्या मतलब है बेलेट्रिक्स? आखिर तुमने उन दोनों का मैच क्यों रोका? मैं तो बस कैजल और बन को उनकी औकात याद दिला रहा था। तुम्हें क्या लगता है जेनेसिस के कैप्टन होने के नाते तुम्हें ये सब कुछ शोभा देता है जेवियर? मैं इसके खिलाफ हूँ। जेनेसिस का कैप्टन होने के नाते मुझे पता है कि क्या करना है। वैसे भी जेनेसिस को ताकतवर होने की जरूरत है, एलियन अकेडमी उस पर निर्भर है। मैं चलता हूँ। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या उसने माउंट फुजी कहा? हाँ, कोच लीना हमें वहाँ पर सब कुछ बताएगी। मुझे लगा ही था। आपका क्या मतलब? जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था वो लोग मुझे माउंट फुजी ही लेकर गए थे। हमें इस सब का पता लगाना होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। हाँ, सीमोर से भी मेरी बात हुई है और उससे बातें करके मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिली है। ध्यान से करना। माजरत चाहती हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर और पिताजी से एक सवाल है। हाँ बेटा, क्या सवाल है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप कोच लीना से कैसे मिले और उसे स्कूल में कौन लाया? दरअसल कोच सीमोर हेलमन ने हमें उससे मिलवाया था और उसने ये भी कहा था रेमन उस पे भरोसा कर सकती है। देरन यहाँ है? हाँ, अब कुछ सुधार लग रहा है। नहीं, अभी भी कुछ कमी है। मुझे तुम्हारा ना हारने वाला रवैया बहुत पसंद है। दोबारा करते हैं। हाय मार्क। हे मार्क, क्या हम तुम्हारी जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्यों नहीं, मार्जिन द हैंड की प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, केओस के मैच के बाद इस टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आई है और मैं इसे और बेहतर करना चाहता हूँ। एक महान टेक्निक कभी पूरी नहीं होती है ना मार्क? और वैसे भी ये लड़का तो काफी कमाल का है, हर बार ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। मार्क, हमने सोचा हम दोनों भी तुम्हारे साथ माउंट फ्यूजी जाएंगे। क्या? बहुत बढ़िया। क्या
क्या आप दोनों को लगता है कि बाकी साथ भी जाएंगे? बॉबी और एरिक भी बहुत गुस्से में थे। मुझे यकीन है वो लोग आएंगे। और नहीं ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। हाँ सही, हमें वापस चलना चाहिए कैरावैन में। नहीं दोस्तों चलो प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी इकट्ठे मिलकर। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी इस लड़के को चक्कर नहीं आ रहे। जब से सब अलग हुए हैं तब से ये प्रैक्टिस में लगा। थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे प्रैक्टिस करते हुए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए वरना मैं गेम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। क्या हुआ जेक? कुछ नहीं, कैप्टन की याद आ गई। कैप्टन भी प्रैक्टिस करते ऐसा ही कहते हैं। हमने कुछ ज्यादा ही स्मार्ट खरीद लिया है, तुम्हें क्या लगता है? नहीं यार, वैसे भी हम सबको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। तुम सही कह रही हो। मार्क के बारे में कुछ कहूँ? वो लड़का कितना मेहनती है। हाँ कई बार तो इतनी मेहनत करता है कि कई बार मुझे उसके लिए बुरा लगता है। जो भी हो यही चीज उसको मार्क बनाती है। इसीलिए तो मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। एक्सल, माउंट फ्यूजी जाने से पहले तैयारी हो रही है। मैं भी लड़ना चाहता हूँ। कैप्टन ने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परफेक्ट होना होगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? मौसम में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मौसम तो खराब है, चलो कुछ देर रुको। शॉन, इनाज़ुमा 11 क्या हुआ शॉन? ये आवाज। आवाज शॉन, ये वो आवाज नहीं, खुद पे काबू पाओ। सब ठीक है, कोई नहीं मरने वाला। मुझे एडन की जरूरत है। जरूरत क्या? मैं अकेले रहने से बहुत डर जाता था। उस दिन पलक झपकते ही बर्फ के तूफान ने मुझसे हर चीज छीन ली जिसे मैं प्यार करता था। मैं बहुत अकेला हो गया था, मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे ताकतवर बनना होगा। अगर तुम दोनों इकट्ठे खेलो तो परफेक्ट बन जाओगे। अगर एडन मेरे साथ रहता है तो मैं मजबूत रहूंगा, जितना मजबूत होऊंगा उतना ही परफेक्ट बन जाऊंगा। इसीलिए मुझे एडन की जरूरत है। एडन के साथ मैं अपने आप को बदल सकता हूँ।
जब पहली दफा मैंने उसकी आवाज सुनी थी। आवाज? तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलते। एडन, हाँ मेरे भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एडन हूँ। जब एडन मेरे साथ होता है तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा ताकत भर जाती है, जिससे मैं अपने आप को बहुत मजबूत फील करता हूँ। इसीलिए मैंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जब वो नहीं होता तो मैं डरने लग जाता हूँ। मुझे महसूस होता है कि असली शोन फ्रोस्ट मेरे अंदर से खत्म होता जा रहा है। शोन, मुझे बताओ, आखिर परफेक्ट होना तुम्हारे लिए क्या है? बताया तो था कि एडन के साथ परफेक्ट हूँ। तो ये है परफेक्ट होना तुम्हारे लिए? हाँ यही है, डैड ने तो यही बताया था। लानत है तुम पे। तो और क्या, सोकर में तो मैं भी परफेक्ट नहीं, पर मैं मजे के लिए खेलता हूँ। प्रैक्टिस करनी है तो खुद ही कर लो। अगर तुम परफेक्ट होना चाहते हो तो गलतियां करना छोड़ दो, तुम्हें इसी की जरूरत है। एक्सेल रुको, मैं अकेला नहीं रह सकता। एक्सेवियर। हे मार्क, कैसे हो? सुबह बखैर। मार्क, कब मिलने आ रहे हो हमसे हमारे स्कूल में और कितना वेट कराओगे? जिस स्कूल की तुम बात कर रहे हो वो क्या माउंट फूजी में है? हाँ वही है। आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कोच रीना तुम्हारी क्या लगती है? मुझे इस सब का जवाब चाहिए। इससे तुमको क्या, हाँ अपने काम से काम रखो। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या वाकई? बताओ मुझे एक्सेवियर। खबरदार मार्क, मैं जीन हूँ, जेवियर फ्रॉस्टर नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? दुनिया बदलने वाली है जल्द ही, कुछ भरा होने वाला है। कुछ भरा? इंसान बदलने वाले हैं। हाँ, इंसान का इतिहास बदलने वाला है। मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तुम लोग दुनिया की नंबर वन टीम से मुखातिब होने जा रहे हो, रेमन हारने के लिए तैयार रहे। ये तुम लोगों का आखिरी मैच। जाओ एक्सेवियर। मैं एक्सेवियर नहीं हूँ, उस नाम से बुलाना मुझे बंद कर दो। अगली बार हम मिलेंगे और तुम लोग देखोगे जेनेसिस की असली ताकत। चलता हूँ मार। दोस्तों, एरिक और बाकी सब तो अभी तक नहीं आए। ओ ठीक है, चलो वो वहां पे हैं, आ जाओ डार्लिंग। ये मुझे यकीन था कि तुम लोग जरूर आओगे। सुबह खैर। सुबह खैर। मैं सोच रहा था इस परेशानी से भागकर क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया, हम सारे जानना चाहते हैं हम एलियन एकेडमी से क्यों लड़ रहे हैं। बेचैनी तुम्हें यहाँ ले ही आई। हमने सोचा है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे माँ। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये मत भूलना, जहाँ मेरा डार्लिंग जाएगा मैं भी वहीं ही जाऊंगी। कोच, क्या ये तुम सबका आखिरी फैसला है? ये क्या कर रहे हो मार्क? एक नए पैतरे के बारे में दी एस।
ये पैतरा मेरे दादाजी ने बनाया है, जिसमें 11 टीम मेंबर्स की ताकत एक शॉट में मिलने से एक नए पैतरे का जन्म हो जाता है। 11 लोगों की, ये तो बहुत मजेदार है। इस बुक में लिखा है, इस पैतरे को करने के लिए हम सब टीम मेंबर्स का दिल एक होना चाहिए। ये तो एक महान पैतरा मालूम होता है। मुझे लगता है हम इसके लिए तैयार हैं, बस हमें अपने दिल में लाने होंगे। एक बार हम सबके एहसास एक हो जाएं, तो एक नई ताकत जन्म लेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पैतरे को लेकर, क्या हमें ये करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हम सबका दिल एक है। क्या वो आ रहे हैं? खेल तो शुरू हो चुका है और दुश्मन को डराना मेरे प्लान का हिस्सा है। मार्क एवंस तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है? काश बता सकता, मुझे तो खुद नहीं पता। दोस्तों वो देखो, वो रहा माउंट फूजी। क्या है ये? वो मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। कोच, क्या ये वो जगह है जिसका आपने हमें बताया था? ये तो एलियन एकेडमी UFO जैसा लगता है। दोस्तों चलो चलें। इस वीडियो को इनाजुमा 11 हिंदी ने और एनिमे लवर डब्स ने मिलकर बनाया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलता हूँ दोस्तों।